सो गुड टू सी यू. थैंक यू. युवा की फिफ्थ एनिवर्सरी है जी. इस मौके पर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो. आप बताइए कितने एक्साइटेड है यूथ से बात करने के लिए. एंड यूथ से हमने सुना है कि जितनी ज़्यादा हम बात करते हैं उतना ज़्यादा कंटेंट निकल कर आता है. आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं. मैं तो खुद सीखने आई हूँ कहीं ना कहीं. मेरी कंपनी का नाम सीखा है एंटरटेनमेंट है, तो मैं तो यहाँ खुद यंग लोगों से सीखने आई हूँ कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या कहना, क्या कह रहे हैं. हर डेकेड में हमारी नई नई दिक्कतें, नए नए सॉल्यूशंस, सोच आगे बढ़ती है. एंड आई ऑलवेज से दिस दैट व्हेन आई वाज यंग मैं इतना जज थी, क्योंकि मैं 21 साल की थी जब बॉम्बे आई थी प्रोड्यूसर बनने. तो ज़्यादातर मैंने इतने साल अपने इंटरव्यूज़ में बोला दैट एज अ यंग पर्सन, यू नो, आई वाज ऑलवेज लाइक ये यंग है तो इनको क्या पता होगा, यू नो. बट बहुत पता होता है. एंड आई स्टैंड हियर एज एन एग्जाम्पल. सो आई हैव कम हियर टू लर्न एंड टू बी इंस्पायर्ड माई सेल्फ. आपकी सीरीज आई है कटहल, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. पिक्चर है कटहल जी. पिक्चर जी, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. आप किस तरह से देखते हो ओटीटी में? ओटीटी आने मुझे लगता, मुझे लगता है ओटीटी ने पहले तो हमारे देश को यूनाइट कर दिया है. हम लोग चाहे वो तमिल, तेलुगू, मलयालम कंटेंट है हम सब देख पा रहे हैं, हिंदी कंटेंट और दुनिया देख पा रही है. नेटफ्लिक्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वो 190 कंट्रीज में है, 230 मिलियन व्यूअर्स हैं ग्लोबली. तो एक पिक्चर जैसे एलिफेंट विस्परर्स को इतना प्यार मिला दुनिया भर में, हमने ऑस्कर जीता, अब कटहल आई है दुनिया भर से लोग देख रहे हैं. तो मतलब वो वाला जो एक्सपेंस कि आज हम अपने अपने कंटेंट के साथ पूरी दुनिया से बात करते हैं, वो बहुत स्पेशल है. तो एक तो एज अ कंट्री वी हैव कम टुगेदर, एंड एज अ वर्ल्ड मुझे लगता है बॉर्डर्स थोड़ी डिसअपियर हो गई हैं. जैसे कि आपने बताया कि जब आप यूथ हैं, हम यूथ हैं, तो लोग की बातें जल्दी सुनते नहीं हैं, समझते नहीं, जैसा कि आपने बताया. तो क्या हम इन फ्यूचर युवा एंड सिखिया कुछ ऐसा कोलैबोरेशन? ओह, इट विल बी अ ड्रीम. मुझे निखिल का विजन बहुत पसंद है. इनफैक्ट युवा से कुछ टीम सिखिया में भी आई और हम लोग बहुत कॉन्वर्सेशन करते हैं. तो इट विल बी एन एब्सोल्यूट ड्रीम टू वर्क विद निखिल एंड हिज ब्यूटीफुल टीम एट युवा. ऑल द बेस्ट टू देम. लास्टली ऑस्कर के बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई, कितने सारे ऑफर आ रहे हैं कि मैडम हमारे साथ आप कोलैबोरेशन कीजिए, हमारे साथ फिल्में बनाइए, क्या कुछ स्क्रिप्ट में पाइपलाइन में है? एंड पटेल तो आई है उसके बाद. अभी हनी सिंह पर डॉक्यूमेंट्री आ रही है, हमने एक सीरीज़ 11-11 कर कर आ रही है Z5 पर. तो सिख्या में काम तो बहुत चल रहा है. मेरा पर्टिकुलर स्केड्यूल तो अभी तो वन इवेंट टू अनदर इवेंट चल रहा है, तो बहुत एग्जॉशन है पिछले 3 महीनों से. मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहूँगी, नए सपने देखना चाहूँगी, नए झंडे गाड़ना चाहूँगी, फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर जीतना चाहूँगी. अभी तो शुरुआत है. थैंक यू. थैंक यू. I feel the young is far more aware and far more informed than we are. They spend a lot more time. Because they come with a global sort of information, right? So they expect that standard, they expect that level of storytelling, that level of content. So definitely we are everywhere trying to live up to that. And I feel the power, we are a very young country, so I think the power of opinion making or even voting, you know, it has the power is really young. So I'm here myself to learn. So people who are younger, you know, generally उनको बोलते हैं कि jobs बहुत switch कर रहे हैं. So can you talk a bit about that 20s up or exploring and why that is important? Because you've done that. So I was an insurance agent, DJ, a sales girl of laughing at cheese on streets. You know, clearly, you know, we want to be excited and informed. We want to be emotionally, mentally stimulated with work. So, I feel experience is low and push up. But jo karo na puri shiddat se, chahe 2 din ke liye karo, 1 ghante ke liye karo, ya 1 saal ke liye karo, ya 5 saal ke liye karo. Jo karo puri shiddat se karo, because everything is a learning experience. And this
help you throughout your life. I feel no amount of education will ever give you what a real life learning experience, working with real people, learning at real places, collaborating with people gives you. So get out there.